नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और कई सारे स्कूलों में ये पोएम, कई सारे बोर्ड्स में ये जो पोएम है वो कोर्स में है। और पोएम का नाम है माय मदर एट 66। तो माय मदर एट 66 इम्पोर्टेंट पोइम है, माय मदर एट 66। इसके जो पोइटेस है, पोइट नहीं है, पोइटेस है, लेडी पोइट है, वो है कमला दास। कौन है? कमला दास। कोई भी पोइम, कोई भी वर्क पढ़ने से पहले हम पोइट के बारे में या पोइटेस के बारे में, जो ऑथर होता है उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ की फैक्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं कमला दास के बारे में कुछ की फैक्ट। तो ये जो हमारी कमला दास है, इनके बारे में कुछ की फैक्ट देखते हैं। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो कमला दास बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की तो सबसे पहले नाम कमला दास ही सबसे पहले हमारे सामने उभर कर आता है। तो सबसे पहले इनका जन्म, तो बॉर्न इन 1934 इन मालाबार। और मालाबार कहाँ पड़ता है? इंडिया में केरला में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? केरला में। तो 1934 में इनका जन्म मालाबार में हुआ था। ये एक कन्फेशनल पोइटेस थी। तो सी वॉज ए कन्फेशनल पोइटेस। कन्फेशनल पोइटेस का मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक पे ये लिखती थी जिनके बारे में बात करना, मतलब ये सोसाइटी अलाउ नहीं करती। कुछ ऐसे बारे में, अपनी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में और कुछ अपने रिलेशंस के बारे में ये लिखती थी। थर्ड फैक्ट, इनके जो नाम है ना, कमला दास के जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम क्या थे? तो नेम्स, तो नेम्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नाम इनका कमला दास ही है। और ये कमला दास नाम क्यों पड़ा? पहले कमला ही था और कमला दास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो शादी है वो माधव दास के साथ हुई, तो सरनेम उनका दास और इनका कमला, कमला दास बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट तो कमला दास ही है और कमला दास क्यों पड़ा ये समझ गए हम, क्योंकि इनकी जो शादी है ना विद माधव दास, माधव दास के साथ इनकी जो शादी हुई ना, उसके कारण इसका नाम पड़ा कमला दास। सेकंड, कमला सुरैया, कमला, ये कमला सुरैया तब पड़ा तब इन्होंने अपना धर्म है वो परिवर्तन कर दिया था, चेंज ऑफ रिलीजन जब इन्होंने किया था। अपना धर्म परिवर्तन किया था तब इनका नाम कमला सुरैया। इसके पीछे भी काफ़ी लंबी स्टोरी है परंतु इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा इनके अलग अलग नाम कौन से। थर्ड, इनका नाम है माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी। थर्ड इनका नाम है वो है माधवी कुट्टी। और ये माधवी कुट्टी नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो अपना वर्क पब्लिश करवाया है उसमें ये नाम ही इन्होंने दिया, तो पब्लिशिंग नेम कह सकते हो ऑफ वर्क्स। जो ज़्यादातर जो वर्क्स इन्होंने पब्लिश करे हुए ना वो माधवी कुट्टी नाम से पब्लिश करे हुए। तो इम्पोर्टेंट नेम्स में कमला दास है, कमला सुरैया है, माधवी कुट्टी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ इनका फैक्ट है कि जो इनका बचपन है, इनका जो चाइल्डहुड है वो कलकत्ता में गुजरा, ठीक है। तो चाइल्डहुड इन कलकत्ता, चाइल्डहुड इनका कलकत्ता में गुजरा। अब इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो कमला दास के इंपॉर्टेंट वर्क्स है उन वर्क्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी जो कमला दास है इनकी बायोग्राफी आती है और उसका नाम है माय स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है माय स्टोरी। सेकंड इनका वर्क है एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन।
हालांकि इनके वर्क्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है और काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे, परंतु ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है इनके। तो ये थे कमला दास हमारे, और कमला दास के बारे में कुछ की फैक्ट। सबसे पहला हम देखते हैं माई मदर एट 66 का स्टेंजा फर्स्ट, इसमें कमला दास ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये पोइम पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता देता हूँ। इसकी जो थीम है पोइम की, किसी भी पोइम की थीम होती है, तो इसकी जो थीम होती है वो है सेपरेशन, या आप कह सकते हो पेन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, पेन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है किसी से जब हम अलग होते हैं, किसी से जब हम बिछड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर एक पेन होता है, हमारे अंदर एक दुख होता है। तो वो पेन ऑफ सेपरेशन इसकी मेन थीम है। और भी कई लिटरेरी डिवाइस कमला दास ने इसमें यूज किए हैं, वो हम जब पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इसमें कमला दास कह रही है कि मैं ड्राइविंग करते हुए, लास्ट फ्राइडे की बात है जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिन की तरफ जा रही थी, और ये बात है लास्ट फ्राइडे की। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस समय की बात है, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को हमारी जो लेखिका है कमला दास, वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है, और कहाँ के लिए वो जा रही है, अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, जब ये ड्राइविंग कर रही है अपने कार में, तो जब ये जा रही है तो अपने साथ ये अपनी मम्मी को ले जा रही है। तो इसकी मम्मी जो इसकी मदर है वो इसके एकदम पास में बैठी है, पास में इसकी माँ बैठी है। बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस असन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। डोज, ये जो शब्द है ना डोज, डोज का अर्थ होता है निंद्रा लो, जैसे नींद आ रही, जब हमें नींद आती है ना तब हम उबासी भरते हैं, हमें जब नींद आ रही होती है ऐसा, ठीक है, निंद्रा लो, ठीक है, नींद आने का समय, ठीक है। तो उसको नींद आ रही, ऐसा लग रहा है कि उसको बिल्कुल नींद आ रही है और वो सो ही रही है, ठीक है। ओपन माउथ, और उसका जो मुंह है वो खुला है, ठीक है। हर फेस एसन लाइक, हर फेस यानी उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है एसन, ये जो एसन है ना सब ए एस एच ई एन, एसन इसका अर्थ होता है पेल, पेल का मतलब होता है पीलापन छा जाना, ठीक है, या पीला पड़ जाना, ठीक है, एसन का अर्थ होता है पीला पड़ जाना। और उसका जो फेस है वो बिल्कुल पीला पड़ गया है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और ऐसे पीला पड़ गया है जैसे कि किसी कॉप्स का हो। कॉप्स का मतलब होता है लाश, कॉप्स का अर्थ क्या होता है, लाश। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद जब वो शरीर मर्द शरीर होता है, तो उसके चेहरे पर एकदम पीलापन छा जाता है, ठीक है, एकदम से पैलर छा जाता है, पीलापन छा जाता है, उसको ऐसन। तो वो ऐसे कह रही है कि उसका जो चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे किसी मर्द आदमी का जो लाश होती है उसका चेहरा कैसे पीला पड़ जाता है, उस प्रकार उसका चेहरा लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी लेखिका है कमला दास, उसने एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया, वो है सिमिल। सिमिल में क्या होता है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिल, सिमिल में क्या होता है कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, एक चीज और दूसरी चीज, इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, और किसके साथ करते हैं, या तो उसको उसमें लाइक लगाते हैं या उसमें एज लगाते हैं। तो यहाँ पे या तो लाइक लगाते हैं और या एज लगाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लाइक लगा के कंपैरिजन किया है अपनी जो मदर थी, अपनी जो माँ थी, उसके चेहरे को कॉप्स के साथ, किसके साथ, उसको कॉप्स के साथ कंपैरिजन किया। तो यहाँ पर इन्होंने सिमिल का यूज किया, यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया, सिमिल का। हर फेस असन लाइक ऑफ ए कॉप्स, तो यहाँ पर उसने किसका यूज किया, सिमिल का यूज किया, इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखना, ठीक है। एंड रियलाइज विथ पेन, और फिर ये कहती है कि मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ये महसूस हुआ विथ पेन, बड़े दुख के साथ मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट, और मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि वो ज़्यादा समय तक जिएगी नहीं, ज़्यादा समय तक हमारा साथ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, मतलब इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसके चेहरे पर पैलर छा गया और बहुत ज़्यादा वीक हो गई, वो ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहेगी, और एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगी, जब इसकी डेथ हो जाएगी और मैं अकेले जाऊँ। और होता ही है, हम भी जब हमारे दादा दादी को देखते हैं, हमारे जो घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक, अब लंबे समय तक नहीं जिएंगे, और हमारे अंदर एक प्रकार का पेन होता, एक प्रकार का दर्द होता कि ये जब चले जाएंगे तो कितना दर्द होगा। तो ये उसी प्रकार से इसमें जो लेखिका है इसके मन में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा सोच के उसके अंदर दर्द हो रहा है, उसके मन में दर्द हो रहा है। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, वो उसकी तरफ देखती है, ऐसा सोचती है, उसके मन में पेन होता,
उसी समय अपने इस थॉट को वो चेंज कर देती, अपने इस थॉट को चेंज कर। हम भी जब सोचते हैं कि भाई हमारे जैसे मान लो घर में दादाजी है, बूढ़े दादाजी, दादाजी को देख रहे कि दादाजी की कभी तो डेथ हो जाएगी, ऐसा सोचते ही हमारे दिमाग में नहीं 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 बस ऐसा नहीं सोचना, और हम किसी दूसरी चीज़ को सोचने लग जाते। उस थॉट को हम क्या करते, एक तरफ रख देते, हालांकि वो सच्चाई है, वो तो एक ना एक दिन होना ही है, फिर भी हम उस थॉट को उस समय के लिए थोड़ा अलग रख देते हैं और कुछ अलग सोचना, कुछ अच्छा सोचना है। तो ये भी ऐसा ही करती है कि वो थॉट को अलग रख देती है, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उस समय वो जो थॉट है उसकी, उस थॉट को वो थोड़ा अलग रख देती है, एंड लुक्ड आउट एट, और जैसे कार में चल रही है उस समय वो कार से बाहर देखती है, उस समय वो क्या करती है, जैसे ही उसके अंदर दिमाग के अंदर ये थॉट आती है तो वो अपने कार से बाहर देखती है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है स्प्रिंट, यहाँ पर यंग ट्री का ट्रीज का अर्थ है कि ट्रीज अपनी अच्छी अवस्था में थे, बड़े लंबे चौड़े ट्रीज थे, पेड़ पौधे थे, और ऐसा हम लगता है ना जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ पौधे चल रहे हो, एक्चुअली पेड़ पौधे नहीं चल रहे होते, हम चल रहे होते हैं, ठीक है, पर वो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे। तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ पौधे हैं वो चल रहे थे, ऐसे आ रहे थे, हालांकि पेड़ पौधे नहीं आ रहे थे, चल तो हम रहे, परंतु पेड़ वो उसके पास से ऐसे पास हो रहे थे, कार के पास से ऐसे पेड़ पौधे निकल रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, ये जो शब्द है ना मेरी, MERRY, MERRY, इस मेरी का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्नचित होना, ठीक है, प्रसन्नचित होना या खुश होना, ठीक है। और एक वो जो शब्द होता है MERRY, एक शब्द होता है MARRY, इस मेरी का अर्थ होता है शादी करना, ठीक है, ये मेरी शादी करना, ये मेरी प्रसन्नचित होता। तो वो ऐसे देखती है, जब बाहर देखती है तो ऐसे लगता है कि कुछ लड़के हैं वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउस, अपने घर से बाहर खेलने के लिए बाहर गए हुए, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। कहने का मतलब इस पूरे स्टेंजा में अगर हम बात करें तो हमारी जो पोइटेस है कमला दास ने, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंकिंग इसमें दी है, तो इसको इसमें कहीं ना कहीं इसने पैराडॉक्स का भी यूज़ किया। किसका यूज़ किया, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग को एक साथ रखना, पूरे जब हम बात करें इसमें तो इसमें पैराडॉक्स का यूज़ किया। पैराडॉक्स का कैसे यूज़ किया, सबसे पहले तो उसको एक हो रहा है, मतलब ये सोचकर कि इसकी माँ ज़्यादा लंबे समय तक अब जीवित नहीं रहेगी, सेकेंड में फिर वो दो चीज़ें ऐसी बताती है जो इसको खुशी देती है, ठीक है, मतलब बच्चे हैं खेल रहे बाहर खुश है, और जो पेड़ पौधे निकल रहे हैं तो वो एक थोड़ा खुशी का माहौल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी दो चीज़ें बताई गई है, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का भी इसने अच्छा यूज किया है। तो एक बार से इसको पूरा वापस देख लेते हैं, जो हमारी जो पोइटेस है कमला दास वो कहती है कि मैं पेरेंट्स के घर से जब कोचिंग के लिए निकल रही थी तो मेरे साथ मेरी माँ बैठी थी, और मेरी माँ की जो एज है काफ़ी ज़्यादा एज हो गई थी, वो बिल्कुल ही वीक लग रही थी, और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि एक लाश का चेहरा हो, ठीक है। और उसके बाद जब इस प्रकार वो सोचती है तो इस थॉट को थोड़ा अलग रख देती है, और वो ये सोचती बाहर देख के ये सोचती है कि बाहर जो पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकले हैं, ठीक है। तो सिमिल का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर लाइक आया है, और सेकंड इस पूरे में जो यूज हुआ है वो पैराडॉक्स का है, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, एक में तो वो दुख की बात कर रही है, दूसरे में वो खुशी की बात कर रही है। तो ये अब हम देखते हैं माई मदर एट 66 का सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में वो बात कर रही है, इसके पहले स्टेंजा में जब वो ड्राइव करते हुए अपनी माँ को देखा, माँ को देखा तो उसको पेन फील हुआ, उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, तो एयरपोर्ट में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होती है, तो उसके बाद की आगे की घटना का ये वर्णन कर रही, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की जब सिक्योरिटी चेक हो गई और मैं वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई, तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर हमारी जो लेखिका है कमला दास खड़ी है, और इसकी जो माँ है वो खड़ी है, तो ये कुछ ही दूरी पर ये आपस में एक दूसरे को देखती है, तो कुछ ही दूरी पर वो खड़ी है। अबे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दूसरी बार उसकी तरफ देखा, यानी उसको देखा, यानी अपनी माँ को देखा, और देखते ही वो सेम टू सेम हर वैन पैल, वैन वैन का मतलब होता है बिल्कुल ही कलरलेस, मतलब एकदम रंग उड़ा हुआ, एकदम फीका पड़ा हुआ, ठीक है, वैन का मतलब एकदम फीका पड़ा हुआ, ठीक है, कैसा फीका पड़ा हुआ, उसका जो चेहरा है ना बिल्कुल ही फीका पड़ा हुआ, ठीक है, बिल्कुल ही फीका पड़ा हुआ, जैसे किसी आदमी की मृत्यु हो जाती, मृत्यु होने के जस्ट बाद उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ जाता है, उसको वैन बोलते हैं। और सेकंड पहल, ये जो पहल शब्द है ना, ये पहल वही शब्द है जो उस समय उसमें आया था ना एसन, वो सेम ही पहल, पहल का मतलब पीला पड़ जाना या पीलापन छा जाना, ठीक है, पीला पड़ जाना, तो उसका चेहरा है वो बिल्कुल एकदम से फीका पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा पीला पड़ा हुआ उसका चेहरा है। और यहाँ पर इसने हमारी जो लेखिका है उसने और सिमिल का प्रयोग किया, मैंने बताया था जो सिमिल होता है उसमें क्या होता है कि या तो लाइक आता है या एज आता है, दो
अलग अलग चीज़ों का कंपेरिजन किया जाता है लाइक और एज के साथ। तो उस समय तो लाइक का यूज किया था, यहाँ पर एज का किया है। तो यहाँ पर हर वैन पेल एज ए लेट विंटर मून, यहाँ पर इसने सिमिल का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, यहाँ पर इसने सिमिल का प्रयोग किया। और इसने कंपैरिजन किसके साथ किया, उसकी माँ के चेहरे का कंपैरिजन किसके साथ किया है, एज ए लेट विंटर मून। विंटर का जो मून होता है, विंटर के समय, सर्दियों के समय में जो वो मून होता है, क्योंकि उस समय मून तो हालांकि अच्छा होता है, ठीक है, नाइट में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सर्दियों का समय होता है ना, उस समय क्या होता है, मून पे पूरा का पूरा कोहरा छा जाता है, चारों तरफ कोहरा छा जाता है, तो जो मून की रोशनी है ना वो ठीक से दिखती नहीं, और मून ऐसे लगता है बिल्कुल से जो रोशनी है उसकी बिल्कुल कम हो जाती है, और ऐसे एकदम मरा मरा हुआ सा दिखता है। तो ये अपने माँ के चेहरे की जो तुलना है, अपने माँ के चेहरे की जो कंपेरिजन है, वो किसके साथ कर रही है, विंटर मून के साथ। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ अपनी माँ के चेहरे का कंपेरिजन किया है, तो वो क्या है, लेट विंटर मून के साथ। और इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, तो वो है सिमिल का यूज इसने किया है, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फेमिलियर एक वो जो जाना पहचाना दर्द, जो शुरू से उसको, बचपन से उसको, बचपन से जब वो अपनी माँ को देखती है तो ऐसा लगता है कि माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब माँ की मृत्यु हो जाएगी और माँ मेरे से बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो उस समय जो दर्द होता वो पेन ऑफ सेपरेशन, जो इस पोइम की कहीं ना कहीं थीम है, ठीक है। तो वही फैमिलियर एक, वही फैमिलियर दर्द वापिस इसके दिलो दिमाग में छा गया कि मेरी माँ जब मर जाएगी तो मैं मतलब अपनी माँ से अलग हो जाऊँ। और ऐसा होता है ना कि जो माँ और बेटी का जो प्रेम होता है वो अलग ही प्रेम होता है, माँ अपने बेटी के बहुत ज़्यादा क्लोज और बेटी अपने माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज होती। अगर किसी के, अगर कोई भाई बहन है और उसकी माँ की डेथ हो जाती, तो सबसे ज़्यादा भाई से ज़्यादा दर्द बहन को होता है, क्योंकि जो बेटी होती है वो माँ के ज़्यादा ही क्लोज होती। तो कमला दास अपनी माँ की बेटी है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली क्लोज तो होनी है, ठीक है। तो वो जो फैमिलियर है कि वापिस से इसके दिलो दिमाग में छा गया, माई चाइल्डहुड फियर, और ये जो फियर है, ये जो डर है, वो मेरे चाइल्डहुड से मतलब मेरे दिमाग में है, कहने का मतलब बचपन से इसके दिमाग में ये फियर चल रहा है। बट ऑल आई सैड वाज, परंतु इन सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, फिर भी ये सब चीज़ों को देखकर मैंने एक ही चीज़ कही अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा। हालांकि इसके दिमाग में तो ये था कि जब तक मैं आऊँगी तब तक तो हो सकता है माँ जी तो निकल लिए होंगे, फिर भी दिमाग में तो ये चल रहा, फिर भी ये कह रही है हंसकर मुस्कुराकर कि सी यू सून मम्मा, अम्मा अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। और ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये कह रही है कि लास्ट में ये सारे दर्द को भुलाकर मैं सिर्फ एक ही चीज़ करती रही और मम्मा को मतलब बाय बाय कह रही थी, और स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती ही रही। ये हमारी पोइम थी माई मदर एट 66 बाई कमला दास। इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि सिमिल का इसने बार बार यूज किया है। फिर जो पहला जो स्टेंजा था उसमें पैराडॉक्स का यूज किया, क्योंकि एक जो थॉट है वो बता रही है कि बहुत ज़्यादा उसके मन में दर्द है, और सेकंड जो थॉट उसमें ये बता रही है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं और पेड़ पौधे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी की बात उसने की। तो ये उन्होंने पैराडॉक्स का भी यूज किया है, ठीक है, पैराडॉक्स। ये और पैराडॉक्स ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच उसमें, कि पैराडॉक्स दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक साथ रख देना। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो स्माइल स्माइल स्माइल, इसमें कॉन्सोनेंस भी, कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ, मतलब एलिट्रेशन का यूज भी हुआ, एसोनेंस का भी यूज, इसमें एलिट्रेशन, अगर एलिट्रेशन भी ऑप्शन आ जाए वो भी सही है, और एसोनेंस भी आ जाए वो भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यंजनों का भी इसमें मतलब व्यंजन भी आए हैं एक साथ, और एसोनेंस स्वर भी इसमें एक साथ आए हैं, तो एलिट्रेशन का भी यूज हुआ और एसोनेंस का भी यूज हुआ। एक इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो राइम स्कीम है वो कौन सी, तो इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार लगा के, इट हैज नो राइम स्कीम, इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, और ये रिटन इन प्रीवर्स में लिखी गई है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, तो ये इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है और ये प्रीवर्स में लिखी गई। तो ये थी आज की हमारी पोइम माई मदर एट 66, कमला दास, जो इंग्लिश लिटरेचर के, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइटेस है। तो माई मदर एट 66, अगर पोइम अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।